आप गाना तो बना सकते हैं, अच्छा गाना हो, अच्छे वर्ड्स हो, अच्छा ट्यून हो, बीट्स हो, लेकिन अगर उस गाने को उस तरह से लोगों तक पहुंचाने का एक जो एक प्रयास है वो ना हो तो फिर बात रह जाती है। तो हैट्स ऑफ टू हंगामा, हैट्स ऑफ टू भामला फाउंडेशन। कल हम दिल्ली में थे, इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हम जाकर इस गाने को रिलीज़ किए, बहुत बड़ी बात है। सोशल गाने बनते हैं लेकिन इस लेवल पर उसकी मतलब रीच करना मुश्किल होता है, जहाँ मिनिस्ट्री हो साथ साथ एकदम यंगस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए टिकटॉक के बच्चे भी हैं इसमें। सो वी हैव कवर्ड ऑल द पॉसिबल वेज टू क्रिएट द अवेयरनेस, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि गाना हिट होना चाहिए, बात ये होनी चाहिए कि इस गाने का जो मुद्दा है, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचे, यंगस्टर्स तक पहुँचे, दूर दूर तक पहुँचे। इसलिए यू नो थ्रू हंगामा की सारी उन्होंने पूरी अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो मसल है, वो गाने के पीछे उन्होंने लगा दिया है, और ये सब कुछ कर रहे हैं जस्ट टू पुश द कॉज विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कि हम ये सांस ले रहे हैं, पोल्यूटेड हवाओं में सांस ले रहे हैं, ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में 15 ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हमारे देश में है। सो समथिंग हैज़ टू बी डन इन अ वेरी अर्जेंट बेसिस, और दिस सॉन्ग इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस। एंड आई एम श्योर कि लोग बार बार उंगली उठाते हैं कि इस गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है, मिनिस्ट्री क्या कर रहे हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू आवरसेल्व्स। जहाँ जहाँ जगह हो हम पेड़ उगाएं अपने अपने लेवल पर, जो भी हो एक गमले में ही सही, जितना हो सके हम कार फ्यूल कम यूज़ करें ताकि वो पोल्यूशन उसका कम हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। प्योर हो तो आप में क्या है कि जो भी आप करें उसमें एक सेंस ऑफ सिंसेरिटी और प्योरिटी भी होनी चाहिए। तो हम लोगों की कोशिश यही रही है कि जहाँ से भी लोगों को या सुन सकते हैं या देख सकते हैं और अब या खेल सकते हैं, हम उस इस गाने को इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में उसकी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस बढ़ा रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि हंगामा का खुद का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें ऑलमोस्ट 62 मिलियन कंज्यूमर्स हैं, वहाँ से लेकर के हमने बहुत से अपने साथ नए पार्टनर्स को जोड़ा है। हमारे पार्टनर्स जैसे हैं जो म्यूज़िक कंपनीज हैं, टी सीरीज़ हुए, सोनी म्यूज़िक हुआ, स्पीड रिकॉर्ड्स हुए, शेमारू हुए, वो लोग इससे वहाँ ले जा कर के फिर हम टीवी नेटवर्क्स पे भी लेकर के जाएंगे, रेडियो नेटवर्क्स पे भी लेकर के जाएंगे कि आप चलाएं इनको, जितनी भी म्यूज़िक की स्ट्रीमिंग की रिलेटेड की साइट्स होती हैं। क्योंकि जितने लोगों को इसके बारे में आप अवेयर बना सकें वो करें। और वही मैंने जैसे कहा कि इस टाइम हमने पिछले बार से जो नई चीज़ लाने की कोशिश ये की कि हम उस गाने को, एक होता है गाना पसंद आया उसको आप हिम कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर, दूसरा होता है आप उस क्या गाने से लोगों को इंटरेक्ट करा सकते हैं, एंड उसके उस चीज़ को वो एक चुनौती लेकर के हमने एक गेम बनाया जैसे। और वो गेम एकदम सिंपल सा गेम है जिसमें आप ऑब्स्टिकल्स होते हैं विच आर ऑल पोल्यूटिंग ऑब्स्टिकल्स, उसको आप अवॉइड करिए, आप जितना खेलिए करिए। तो वी आर रियली आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव विच इज़ बीन अंडरटेकन बाय द भामला फाउंडेशन। इट्स ओनली ग्रोन इन साइज नाउ विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। एंड बस यही, हर साल की तरह जागतिक पर्यावरण दिवस हो रहा है 5 तारीख को, उसकी तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। संगीत के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक रखना चाह रहे हैं, नौजवानों तक रखना चाह रहे हैं, बच्चों तक रखना चाह रहे हैं, क्योंकि संगीत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव कुछ हो नहीं सकता है। हम ज्ञान दें, कुछ बातें करें, लोगों को समझाने को जाएं, तो ये संगीत में ही काफ़ी चीज़ें हैं, चाहे जैसे कि फैक्ट्रीज़ का जो पोल्यूशन है हमने वो दिखाया, उसके रॉन्ग इफेक्ट्स दिखाए, उसके इल इफेक्ट्स दिखाए हमने, कार यूज़ एक्सेस कार यूजेज के जो इल इफेक्ट्स हैं हमने वो लोगों तो तक दिखाया है, यू नो कार पूल की हमने बात की है इसमें, तो कई कई चीज़ पेड़ पौधे लगाने की हमने बात की। तो संगीत के माध्यम से एक बहुत सुंदर मैसेज क्रिएट हुआ है, शान ने और स्वानंद जी ने, नीरज रॉय जी ने, बॉलीवुड हंगामा जी से, सब एक सुंदर कॉम्बिनेशन मिलकर एक खूबसूरत अंजाम दे रहा है चल हवा आने दे के शक्ल में। और खुशी की बात है कि बड़े से बड़े सितारे, अक्षय कुमार जी जैसे, राजकुमार राव जैसे, जो नहायत बिजी लोग हैं, इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। कपिल शर्मा को आप देखोगे, कपिल शर्मा ने गाया भी है और उसमें परफॉर्म भी किया है गाने में। सो अन्य लोग, शंकर माधवन जी और सुनिधि जी ने बहुत सुंदर तरीके से इस चीज़ को रखा है गाने के शक्ल में। तो बहुत ही अच्छा, एक पिछले साल टिक टिक प्लास्टिक एक बहुत ही कामयाब रहा और इस साल अब हवा आने दे होने जा रहा है। मुझे यकीन है कि बहुत ही अच्छा रहेगा, और पिछले बार कई सारे मिलियंस ऑफ व्यूज़ रहे, ग्लोबली वो एक पॉपुलर रहा, इतना तक है कि स्कूल्स में भी लोग आज उस गाने पर डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं।
तो मुझे यकीन है कि पिछले बार जो हमें प्रसिद्धि मिली उससे कहीं ज़्यादा प्रसिद्धि और आकर्षण इस नए गाने को होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। और भामला फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इन सबके सहयोग से हम ये प्रयास कर रहे हैं पर्यावरण की तर्ज पर।